पिछले साल 2020 में कोविड-19 की वजह से बहुत नुकसान हो गया, हमारे बच्चों का तालीमी साल तकरीबन ज़ाया हो गया। इंशाल्लाह अभी जब 2020-21 में हम कोशिश करेंगे उस लास्ट को इंशाल्लाह हम बराबर करेंगे। इसमें हमें वालिदैन की तब उनकी बहुत ज़रूरत होगी। वो 2020 में हमें जो एजुकेशन के हवाले से जो लॉसेस हुए हैं, जैसे कि लर्निंग लॉस है या स्टूडेंट रिटेंशन है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम 2021 में इन लॉसेस को कवर करें। इस उम्मीद के साथ और जो है पुर अज़्म भी हैं कि हम जो नुकसान हम उठा चुके हैं हम उसका अजाला करेंगे। स्मार्ट सिलेबस के तहत बच्चों को तैयारी करवाई जाएगी और कोविड-19 के हवाले से SOPs पर अमल करते हुए हम इसका मुकाबला करेंगे। इंशाल्लाह हम सब कामयाब हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह 2021 मार्च जो हमारे स्कूल खोलेंगे तो हम लोग जंगी बुनियादों पर जो है अपने तालीमी साल का आगाज करेंगे। इंशाल्लाह साल 2021 जज्बे के साथ जो बच्चे स्कूल से रह गए थे उनको अपने उस्तादजा और तमाम सोसाइटी के साथ मिलकर स्कूल लाएंगे। 2021 में अपनी टीम और अपनी एजुकेशन के उस्तादजा और तमाम सोसाइटी के साथ मिलकर इंशाल्लाह करेंगे। 2021 में हम ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को स्कूल में दाखिला दिलवाएंगे और हमारी पिछले साल कोविड-19 के हवाले से जो तालीमी साल ज़ाय हुई थी और उसको हम अगले साल बेहतर से बेहतर तरीके से तालीम उन्हें मुहैया करेंगे। आज इंटरनेशनल एजुकेशन डे है, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी बीइंग हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूट के जो हमारे क्राइसिस आजकल चल रहे हैं फॉर कोविड-19, इसमें हमें एजुकेशन को बेटरमेंट की बहुत ज़रूरत है और हमें अब चाहिए कि मज़ीद हम ऐसा कैंपेन करें तालीमी साल 2021 के लिए कि हम के हमारे सारे के सारे तलबा तलबात दोबारा अपने स्कूलों में आ जाएं। सबसे पहले तो हमें अपने टीचर्स की ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है ताकि हम उनके जो तरीके है तदरीस हैं उनमें जिद्दत ला सकें। पिछले साल हमारे सैकड़ों असातिज़ा पैट बलोचिस्तान और यूनिसेफ कोलाब्रेशन से वहाँ पे ट्रेंड हुए हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो हम कोशिश करेंगे कि उन असातिज़ा ने उन ट्रेनिंग से जो कुछ सीखा और वहाँ पे जो मेथडोलॉजीज जो पेडागोजीज वहाँ पे सीखे उनको जाकर अपने स्कूलों में वो कंसर्न स्कूलों में वहाँ पे मुतालिका स्कूलों में उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। वो कब साल ज़ाया हो चुका है उसके जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें कि हमारा तालीमी ज़ाया बहुत ज़्यादा हो चुका है और सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ग्लोबली ये जो है इसके असरात हुए हैं। लिहाजा इस नुकसान को कम से कम करने की हमें कोशिश करनी है और हमें अपनी हिम्मतों को मुश्तमा करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के दौरान तालीम काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह हम तमाम उनकी यही कोशिश रहे कि इस तालीमी पूरा किया जाए। कि मैं टीचर से दरख्वास्त करूँगा कि वो बच्चों पे ज़्यादा फोकस करें और जो चीज़ रह गई है 2020 में उनकी रिवाइवल करें।